नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिद। ग्रैंड न्यूज के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ में आज हमारे सामने मौजूद है रिवाइवल मेडिकल सेंटर से डॉक्टर गुणवती देवांगन, जो कि यहां पर एक ड्यूटी डॉक्टर के पद पर कार्यरत है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। डॉक्टर गुणवती देवांगन, यहाँ पर आप कितने समय से कार्यरत हैं? मैम, यहाँ रिवाइवल मेडिकल में मैं कम से कम 2 साल से यहाँ वर्क कर रही हूँ। डॉक्टर गुणवती देवांगन से जानेंगे आज हम लैप्रोस्कोपी के बारे में, जिससे हमारे दर्शकों को भी लाभ होगा। मैम, सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे, लैप्रोस्कोपी क्या है? लैप्रोस्कोपी एक इंसेंटिव विधि है जी, है ना, जिसका उपयोग हम बाष्पन दूर करने के लिए और महिलाओं को जो समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए लैप्रोस्कोपी के द्वारा हम ट्रीटमेंट किया करते हैं। लैप्रोस्कोपी में डॉक्टर्स पेट पे, मरीजों के पेट पे 2 से 3 छोटे चीरे लगाते हैं और उस पर लैप्रोस्कोप जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आता है उस पर हम सर्जरी करते हैं। उसमें लाइट और कैमरे का यूज़ किया जाता है जी, उसमें होता है। अच्छा मैम, ये लैप्रोस्कोपी क्यों कराई जाती है? एक्चुअली लैप्रोस्कोपी बहुत सारी महिलाओं को समस्याएं होती हैं, जो महिलाओं की समस्या रहती है उसके लिए, जैसे बाजपन होता है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है और बहुत सारे जैसे कैंसर, पेट के कैंसर होते हैं, ये सारी चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए ना लैप्रोस्कोपी कराया जाता है। हर्निया की प्रॉब्लम के लिए भी लैप्रोस्कोपी कराया जाता है। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल है कि किन परिस्थितियों में लैप्रोस्कोपी कराई जानी चाहिए? लैप्रोस्कोपी अधिकतर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इसमें कराई जाती है। अल्सर का पता लगाने के लिए लैप्रोस्कोपी कराई जाती है। पेट में कहीं पे कैंसर हो गया उसको, इसके लिए लैप्रोस्कोपी कराई जाती है। और पैल्विक दर्द, पैल्विक पेन होता है, इसके लिए लैप्रोस्कोपी कराई जाती है। हर्निया के इलाज के लिए लैप्रोस्कोपी कराई जाती है। महिलाओं के बाजपन वगैरह के लिए भी लैप्रोस्कोपी कराया जाता है जी। अच्छा मैम, प्रेगनेंसी में जैसे आपने बताया भी बांझपन के इलाज के लिए, तो ये कितना फ़ायदेमंद है एक आम ऑपरेशन, एक आम सर्जरी से लैप्रोस्कोपी में, दोनों में? आम सर्जरी में केवल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अच्छा। और उसे इतना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। अच्छा। लैप्रोस्कोपी में लैप्रोस्कोप करके ट्यूब्स को क्लियर करते हैं और इसमें जो सर्जरी होती है बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होती है लैप्रोस्कोपी में, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिट है आम सर्जरी से। जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को। अच्छा मैम, मेरा अगला सवाल है, लैप्रोस्कोपी से कोई जोखिम हो सकता है मरीज को? वैसे तो बहुत अच्छी तकनीक है लैप्रोस्कोपी, बट जब लैप्रोस्कोपी होता है तो कभी कभी मरीजों को संक्रमण की प्रॉब्लम हो सकती है, फीवर आ सकता है और मतलब सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो सभी चीज़ ठीक रहता है जी। मैम, मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है ये, लैप्रोस्कोपी में खान पान पर क्या ध्यान देना चाहिए मरीजों को आफ्टर लैप्रोस्कोपी? आफ्टर लैप्रोस्कोपी में मरीजों को हमें एकदम जो सॉफ्ट डाइट होता है, जैसे खिचड़ी, दलिया, यही सब दे सकते हैं। अच्छा। हैवी डाइट हम 2-3 दिन के बाद में ही लेते हैं, उससे पहले नहीं। जिस दिन लैप्रोस्कोपी हुआ है उस दिन नॉर्मल डाइट, सॉफ्ट डाइट लिया जाता है। अच्छा। जो खिचड़ी दलिया में आता है। अच्छा अच्छा मैम, एक आम तौर पे लैप्रोस्कोपी करवाने के बाद महिलाओं को पीरियड्स कितने हफ्तों के बाद आए? 4-6 वीक में महिलाओं को पीरियड्स आ सकते हैं, एक नॉर्मल पीरियड की जैसे। नॉर्मल पीरियड आने में वो 4-6 सप्ताह लग जाते हैं जी। मैम, अगला मेरा सवाल है आपसे कि लैप्रोस्कोपी के बाद महिलाएं कितने समय के बाद स्नान कर सकती हैं, नहा सकती हैं? उससे उनके टांके में, हालांकि अब वो लैप्रोस्कोपी की सर्जरी हो रही है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी आम तौर पर कि ये सवाल है मेरा, दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी होगी। जब होता है तो उसके बाद में हम कोल्ड स्पंजिंग करवा सकते हैं 24 आवर में। अच्छा। फिर जब छुट्टी होती है 3 दिन के बाद में, 2-3 दिन के बाद में जब छुट्टी होती है तो उसके बाद में आप पट्टी को गीला ना करके आप नहा सकते हैं। अच्छा। वो डॉक्टर आपको बताएंगे कि किस दिन कैसे नहाना है, सारी चीज़ें बता दी जाती है।
अच्छा मैम, अपने इस यहाँ रिवाइवल मेडिकल सेंटर में इसकी क्या फैसिलिटी है, मरीजों के लिए क्या सुविधाएं हैं लेप्रोस्कोपी की? लेप्रोस्कोपी की बहुत अच्छी टीम है हमारे रिवाइवल में जी। और सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, बहुत अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और यहाँ पे हमारा जो सुविधा है वो इमरजेंसी LSCS भी होता है, लेप्रो एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी होता है, नॉर्मल डिलीवरी की सुविधा होती है, LSCS की सुविधा होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसकी लेप्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता है। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी बताया वो क्या है, थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। एक्चुअली जब नॉर्मल जब प्रेगनेंसी होती है तो हम मेन यूट्रस में प्रेगनेंसी होती है, बट वो जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो ट्यूब में होती है, जो फॉलिपल ट्यूब में होती है जी। जो बेबी जब ग्रोथ करता है तो वो फटने के चांसेस रहते हैं, फिर जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ख़राब हो जाती है मरीज की स्थिति, इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को तुरंत जब पता चलता है तो इसको लैप्रोस्कोपी के द्वारा कट करके निकाला जाता है। अच्छा, तो रिवाइवल मेडिकल सेंटर में ये सारी सुविधाएं मौजूद हैं मरीजों के लिए जी। तो ये थी डॉक्टर गुणवती देवांगन, जिन्होंने हमें लेप्रोस्कोपी के बारे में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनसे उन्हें ये वीडियो देखकर लाभ भी मिलेगा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका।